नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाता है। रमा एकादशी दीपावली से ठीक पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने की सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। इस बार ये एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। शास्त्रों के नियम अनुसार जब भी कोई एकादशी बृहस्पतिवार या शुक्रवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रमा एकादशी का महत्व क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के केशव अवतार की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त इस दिन व्रत करके सच्चे मन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में खुद कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान दिया था। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। कहते हैं कि दीपावली से पहले मां लक्ष्मी की पूजा करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता के अनुसार मां लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का व्रत करने से मां लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है जो कि दीपावली तक चलती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।